नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। एंट्री एंट्री दीजिए। कितना रुपए? 200 रुपए। साहब बाहर क्या गाड़ी आप 200 रुपए? सौ रुपए दो। पैसे नहीं है सर, 200 रुपए देंगे। क्या है, क्या बोतल रहे है? नहीं पैसे, क्या करें? 70 रुपए है अभी। वो पैसा देगा ये सेठ आएगा। लो सरे आम रिश्वतखोरी। एंट्री के नाम पर वसूली दर्ज हुई ड्राइवर के कैमरे में। वीडियो में आपने देखा बार्गेनिंग चल रही है। राजू राम बाढ़ में राजस्थान से हैं, शुगर लेकर जा रहे थे कोल्हापुर महाराष्ट्र। 18 नवंबर की घटना बताई है। त्रिवेणी नगर में एक दुकान पर माल अनलोड किया। 18 नवंबर की रात उनके पास एक आदमी आया जब गाड़ी में सो रहे थे। आदमी ने खुद को पुलिस वाला बताया और पैसे मांगे एंट्री के नाम पर। उसे तो ड्राइवर ने किसी तरह उलझा कर वहां से भेज दिया। बाद में आए स्क्रीन पर देखे गए ये दो पुलिस वाले, जिनकी गाड़ी संख्या थी OD05Q7600। उन्होंने ₹200 मांगे, बाकी आपने वीडियो में देखा ही। ड्राइवर ने कहा अभी पहले भी एक आदमी आया था तो पुलिस वाले कहते वो अलग है। क्या कोई मिलीभगत चल रही है वसूली के लिए? ड्राइवर के पास सिर्फ 70 रुपए थे, पुलिस वालों ने वो भी ले लिए। सोचिए कैसे 70-70, 50-50 रुपए के लिए पुलिस वाले अपना ईमान खो रहे हैं। बड़े ही शर्म की बात है। दोस्तों यह घटना है जाजपुर रोड, उड़ीसा की नगरदास, बीकानेर राजस्थान से ड्राइवर हैं। उन्होंने बताया कि जिंदल स्टील फैक्ट्री से लोड करके निकले थे जाजपुर रोड पर। 16 नवंबर की घटना। PCR की गाड़ी में पुलिस वालों ने उन्हें एंट्री के लिए रोका। 200 रुपए की एंट्री भी मांगी और गाड़ी वालों ने दे भी दी। उसके बाद 2-3 किलोमीटर आगे जाकर गाड़ी वालों को 1000 रुपए के लिए चालान का मैसेज आता है। तो गाड़ी वाले घबरा कर गाड़ी वापस करते हैं और पुलिस वालों से जाकर पूछ रहे हैं कि मास्क लगाया हुआ था, सीट बेल्ट पहनी हुई थी। तो पुलिस वालों ने कहा कि गलती से हो गया है। बताइए इस तरह की लापरवाही पुलिस की, लेकिन परेशानी ड्राइवरों को झेलनी पड़ती है, वो भी सरेआम। हरियाणा रोडवेज की बस है, रोडवेज वाले गलती है, बैक करके बादल लग रहा है और इसका मारे भी छोड़ गई, मारे कमीज फाड़ दी है इसकी, ये कमीज फाड़ दी है, धमकी दे रहा रोडवेज का हूँ मैं ड्राइवर, मेरा कोई बाल नहीं पाड़ सकता, गाड़ी दे, लेडीज तो भी गाड़ी दी ना। वीडियो में देखा आपने हरियाणा रोडवेज की बस जिसने टक्कर मार दी एक बोलेरो गाड़ी में, जिसका नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। योगेश है पंचकूला से, जो बोलेरो गाड़ी चला रहे थे। 16 नवंबर की घटना है। चंडीगढ़ रोड पर पासपोर्ट ऑफिस के पास अंबाला में हरियाणा रोडवेज बस, ड्राइवर ने लापरवाही से चलाते हुए गाड़ी को साइड से टक्कर मार दी और नुकसान कर दिया। ऊपर से बस ड्राइवर ने गाड़ी वाले के साथ बहस भी की और हाथापाई भी की, यहां तक कि शर्ट भी फाड़ दी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरह से लापरवाही से बस चलाना कितने लोगों की जान पर हावी हो सकता है। बस ड्राइवर मौके से फरार होने को था और उस दिन उसने कोई राहत नहीं दी, लेकिन अगले दिन जब उस पर दबाव बनाया गया तो 5000 रुपए दिए, जबकि गाड़ी वाले का कहना है कि उसका नुकसान 5000 से कहीं ज्यादा हुआ है। दोस्तों स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है इसमें आप देखिए, सड़क पर कुछ व्यक्ति खड़े हैं, अपने आप को फाइनेंसर बता रहे हैं। ड्राइवर को इनको देखते ही शक हो गया। ड्राइवर हैं मोहम्मद अताउल्ला, इंदौर मध्य प्रदेश से रीवा मध्य प्रदेश के लिए मशीन लोड करके जा रहे थे। कटनी बाईपास पर चार लोग जो कि खुद को चोला मंडलम फाइनेंस वाले बता रहे थे, इनके आगे उन्होंने बाइक लगा दी, गाड़ी रोक दी और कहा कि आपने किश्त नहीं भरी है, गाड़ी सीज होगी। ड्राइवर क्या, किसी को भी देखकर ये लगेगा कि ये फाइनेंसर नहीं है। गाड़ी वाले ने भी क्रॉस चेक कर उनसे प्रूफ मांगे तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं निकला। वह लोग गाड़ी वाले को किसी ना किसी तरह बहाने से नीचे उतारने की कोशिश में लगे हुए थे, आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे दिन दहाड़े गाड़ी नहीं रोकता कोई, दिन दहाड़े गाड़ी रोकते हैं। पहली बात तो आपका हक ही नहीं बनता गाड़ी रोकने का। गाड़ी खींचना होगी ना तो कंपनी घर आके गाड़ी खींच के ले जाएगी। अभी खींचते हैं, कंपनी नहीं खींचते आती है। आपने देखा ये फाइनेंसर वाले नहीं, ऐसा लग रहा था कि लूट मार के इरादे से कुछ लोग आए हैं। लेकिन ड्राइवर नीचे नहीं उतरा और उसने बोला कि मैं पुलिस वाला बुला रहा हूँ फोन करके, तो वे वहाँ से भाग गए। लूट मार करने के अलग अलग तरीके इजाद हो रहे हैं और ड्राइवरों की परेशानी का सबब बन रहे हैं। दोस्तों दीपावली खुशियों का त्योहार है और आप लोगों को ट्रांसपोर्ट टीवी से कितना प्यार है ये इस वीडियो से हमें पता लगता है।
जो अपने दुख और सुख की घड़ी में हमें याद कर रहे हैं और हमसे अपनी बातें अपनी वीडियो शेयर करते हैं। यकीन मानिए हमें भी बेहद खुशी होती है। ड्राइवर है चंद्रपाल, अल्कोहल लेकर जा रहे थे कन्नूर महाराष्ट्र के लिए, सफर में ही थे और दिवाली का त्यौहार आ गया, कोई अपना साथ नहीं था, साथ था तो अपना ट्रक, दिए, मोमबत्तियां, मोबाइल और ट्रांसपोर्ट टीवी। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी। उन्होंने अपने ट्रक पर दिए जलाए, सफर पर ही दिवाली मनाई और इस खुशी को साझा किया ट्रांसपोर्ट टीवी के साथ। सांगारेड्डी बॉर्डर पर 4 दिनों के लिए गाड़ी उन्होंने रोकी थी क्योंकि वहां से एक्साइज वालों से पास करवानी होती है। 13 को संगारेड्डी बॉर्डर पर चंद्रपाल पहुंचे, लगभग 7 गाड़ियां पठानकोट से लेकर आए थे। वहीं पर दिवाली के अवसर पर घर से बाहर होने के बावजूद गाड़ियों पर ही दिए और मोमबत्तियां जलाकर दिवाली मनाई। जीटी रोड 10 में खबरें अभी और भी हैं, पर पहले ले लेते हैं ये ब्रेक। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसलिए मैं कहता हूँ कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। इलेक्ट्रिक कार इंजन और इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स दुनिया में बहुत नाम कमा रहे हैं और लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा निकाले गए कार और उनके द्वारा इजाद किए गए पावरफुल इंजन अब बाजार में आने लगे हैं और कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। इसी तरह एक कार जो हिंदुस्तान एम्बेसडर की है और इसे उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिक कार में बदल दिया गया और उसकी ताकत यानी क्षमता जांचने के लिए कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक कार में बांध दिया गया लगभग 14.5 मेट्रिक टन के भार वाला भारत बेंज का ट्रक, जिसे एम्बेसडर कार बड़ी आसानी से खींच ले रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में 20 किलोवाट की इसमें बैटरी लगाई गई है। कार बनाने वालों का कहना है कि यह कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है और 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाने के लिए केवल 12 सेकंड लेगी और एक बार चार्ज करने पर यह 100 किलोमीटर तक जा सकती है। सबसे खास बात है इस कार के अंदर लगाया गया इंजन जो इतने भार वाला भारत बेंज का ट्रक भी खींच ले रही है। सर, मेरा मोबाइल क्यों छीना आपने? मोबाइल नहीं छीन ना, आप मोबाइल कैसे छीन सकते हो हमारा? वीडियो तो सर हमारे मोबाइल है ना, आपके हाथ में कोई इलीगल काम थोड़ी हो रहा है क्या? मोबाइल छीन रहे हो आप, ऐसे मोबाइल छीन लोगे क्या? उसने मेरे को हाथ कैसे लगाया? पुलिस द्वारा ड्राइवर को परेशान किया जा रहा है, मजबूरन ड्राइवर वीडियो बनाने लगा तो मोबाइल छीन लिया जा रहा है। रईस खान ड्राइवर है, भिलवाड़ा राजस्थान से। घटना है 10 नवंबर की। मंगलुरु कर्नाटका के लिए निकले थे मेहसाणा गुजरात से माल लोड करके। घटना विजयपुर से हुगली रोड कर्नाटका की है। गाड़ी वाले ने बताया कि 100 नंबर की गाड़ी पुलिस कंट्रोल रूम की, उन्होंने 7-8 गाड़ियां रोकी हुई थी एंट्री के लिए और एंट्री ले रहे थे, किसी से 100 रुपये, किसी से 200 रुपये, जिससे जितना मिल जाए। जब ड्राइवर को रोका तो उसने पूछा कि एंट्री किस बात की और वीडियो बनाने लग गया और वीडियो बनाते देख पुलिस वाले ने मोबाइल छीन लिया तो ड्राइवर और पुलिस वाले के बीच झड़प हो गई और ड्राइवर ने यह भी बोला कि आप कौन होते हैं मोबाइल छीनने वाले, आपने वीडियो में देखा। दोस्तों, डीजल चोरी करने का मामला सामने आया है। गुरनाम सिंह गुरदासपुर पंजाब से हैं। ड्राइवर हैं जिन्होंने ये वीडियो हमें भेजी है, जो मक्के का कच्चा तेल लेकर पहुंचे थे प्रीमियम फैक्ट्री अलवर राजस्थान। फगवाड़ा से माल लोड करके चले थे और फैक्ट्री में पहुंचे 17 नवंबर को रात 9 बजे और लगभग 1 बजे सो गए और उसके बाद इनकी गाड़ी से लगभग जो टैंकी है 530 लीटर की, उसमें से 450 लीटर का डीजल चोरी हो गया। 30,000 से 32,000 का इनका नुकसान हो गया, ड्राइवर ने बताया। फैक्ट्री वालों ने किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं ली क्योंकि गेट के बाहर ही गाड़ी खड़ी करवाई गई थी, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। फैक्ट्री वालों ने सिर्फ 1,000 रुपए दे दिए ड्राइवर को। गार्ड भी वहां बैठा था, उसने भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है इस चोरी की। ड्राइवर ने सीसीटीवी कैमरा दिखाने को बोला तो वहां पर वो भी नहीं लगा हुआ था। ड्राइवर इस वजह से बहुत परेशान है, उन्होंने हमें बताया है इस बारे में और अपील भी की है मदद की। दोस्तों, ये ड्राइवर हैं आरिस मेवात, हरियाणा से। मुंबई से पलवल हरियाणा जा रहे थे तेल के ड्रम लोड करके। रूपा खेड़ा टोल प्लाजा राजस्थान में 14 नवंबर को इनकी ओवरलोड की पर्चियां काटी गई। अचंभित कर देने वाली बात है कि 6 पर्चियां काटी गई एक साथ और सभी 225 रुपए की है, लगभग 1,350 रुपए भरे गाड़ी वाले ने। लेकिन मसला यह है कि पर्चियों पर ना तो यह लिखा हुआ है कि कितना ओवरलोड है, ऊपर से ड्राइवर इस बात से परेशान है कि 6 पर्चियां तो काटी गई, ऊपर से फास्टैग की भी ट्रांजैक्शन हुई जिसका मैसेज उसके मोबाइल पर आ गया। और खासकर ड्राइवर इस बात से परेशान है कि उसे ये तक नहीं मालूम कि उसके कितने ओवरलोड की पर्ची काटी गई।
दोस्तों ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है पैदल चलने वालों के लिए, लेकिन जब आपके रास्ते में कोई बड़ी गाड़ी, स्कूटर या मोटरसाइकिल खड़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियां, उसके ऊपर से लोग निकलने लगे, आप देख सकते हैं वीडियो पे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में मालूम है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग है पैदल चलने वालों के लिए, अगर वहां पर कोई खड़ा होता है तो इन लोगों ने कह दिया है कि हम नहीं रुकने वाले हैं, ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हम इसे लेकर रहेंगे। आपने देखा स्कूटर के बीच में से भी कुछ लोग निकल जा रहे हैं अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े हैं तो इसे कहते हैं अपने नियमों के प्रति सतर्क होना, जागरूक होना। आप देख रहे थे जीटी रोड 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में दो एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।